से भाई, आराम से आराम से भाई, मैं यही हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक ही सवाल पूछ के आपको, आप भी इधर पे आ जाओ ना, एक साथ कर लेते। क्या कुछ कहना चाहोगे? अश्नूर का बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। और एक दिक्कत रह गई यार, मैं और अश्नूर एक म्यूजिक वीडियो करने आते थे, पता नहीं वो करते करते हम लोग कर नहीं पाए, नहीं तो अश्नूर के साथ भी एक म्यूजिक वीडियो हो जाता। और हैप्पी बर्थडे अश्नूर, बस मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को यही विजुअल्स आ रहे थे बार बार, हैप्पी बर्थडे अश्नूर, तुम जियो हजारों साल, तुम्हारी नेक जायज तमन्ना पूरी और खूब तरक्की कर रहा है। आपकी किस तरह के अपकमिंग वीडियो, अपकमिंग म्यूजिक आ रहे हैं? मेरे अपकमिंग विजुअल्स, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप पूछ रहे हो, तो इंशाल्लाह देखो मैं आने से पहले बताता नहीं हूँ कुछ, और इंशाल्लाह अगर आ जाता है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी टोक लग जाती है, तो कुछ अच्छा ही आ रहा है और अच्छा ही करते आ रहा हूँ, अल्लाह का एहसान है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ आएगा गाइस आप लोगों के लिए। फैजू इस बार तो बिग बॉस पे जा रहे हो ना, क्यों डिसअपॉइंट नहीं करोगे ना फैंस को? मतलब देखो आप डायरेक्ट भेज दे रहे हो भाई आप, लास्ट ईयर भी जाने वाले थे फिर डिसअपॉइंट हुए फैंस, इस बार क्या प्लान है? देखो कैसा है ना, मतलब है ना, मैं भी ना फैंस लोग का ना देखता हूँ, तो है ना अभी उनका भी कैसा जजमेंट है ना कि 50% फैंस बोल रहे हैं आप जाओ, 50% बोल रहे हैं नहीं जाओ, बट हाँ मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, जल्दी जाऊँगा। और मुझे बहुत टाइम से आ रहा है बिग बॉस का, बट ये है कि मैं पता नहीं, मैं प्रिपेयर नहीं हो पा रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर जाऊँगा तो फिर आपको तो मेरा पता ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में बाहर हो तो क्या था? यहाँ पे देखिए, हो गया भाई, आप लोग तीनों ये पहले ये कर लेते हैं फिर जाके एक बार विजुअल। ओके सो एक साथ सबसे पहले आ जाओ, अश्नूर का बर्थडे क्या कुछ हैप्पी बर्थडे टू अश्नूर एंड आई होप ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर हर। इट्स हर 19th बर्थडे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर, सो प्राउड ऑफ हर, शी इज डूइंग सो वेल and can't wait to meet her and wish her all the luck, all the best and a very very happy 19th birthday. So yes, a very very happy birthday and we are a bit late and agar hum thoda aur late hue to unka birthday khatam ho jayega. So yes, mujhe jaldi se unhe wish karna hai. So yes, happy birthday to her. Any upcoming project? We are here for Ashnoor's birthday. You have to ask us about Ashnoor and let us go to wish her because uska birthday warna khatam ho jayega. If that's done. Saakshi, I'm going to call you. Hi. Saakshi, I'm going to call you.
का रोल है और तो अलग सबसे पहले अश्नू का बर्थडे का। शी इज टर्निंग 19 फाइनली, वेलकम टू द एडल्ट फैमिली, आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि यू आर ऑलरेडी मैच्योर देन योर एज, सो इट्स नॉट लाइक द एज इज़ गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा बॉन्ड उसके साथ शेयर करती हूँ और हमेशा उसके लिए बेस्ट ही चाहूँगी बिकॉज शी डिजर्व्स द बेस्ट। अश्नूर के बारे में यार, अश्नूर ना बहुत चिल है, मतलब कुछ भी लाइफ में हर चीज़ बहुत लाइटली मज़े से लेती है और साथ ही में बहुत मैच्योरिटी के साथ भी हैंडल करती है, तो वो एक उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पॉजिटिव है। थैंक यू। भाई 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 एक तीनों फोटो कर लेते ना, एक तीनों फोटो कर लेते, आप भी आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, यहाँ पे एक बार, हाँ हाँ एक भाई, यहाँ पे थोड़ा और राइट में, ओके सलमान सर की फिल्म है और वो 4 साल बाद आए थे इतने अच्छी फिल्म के साथ, तो सब ने बहुत प्यार दिया इस फिल्म को और सेलिब्रेट किया इस फिल्म को और इतना अच्छा बिजनेस भी कर रही है, हम रियली हैप्पी। मैम आप थोड़ा सा बोल आगे, आपसे सवाल है, ये मत पूछो, वो बेटे इतना अच्छा कर रहे हैं किसी का भाई एंड अली बाबा, आप अगर कुछ बताना चाहोगे बता प्लीज। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दोनों बच्चे इस फील्ड में और दोनों सक्सेस हो रहे हैं, अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, तो मैं बस बस बहुत खुश हूँ और क्या बोलूँ। कमिंग बैक टू अश्नूर का आज बर्थडे, क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? अश्नूर तो मेरी एकदम बड़ी जैसी है एंड बस मैं उसको अच्छी विशेष देना चाहूँगा, जैसे वो काम कर रही है अच्छा काम करते रहे और आई प्रे टू गॉड कि वो ऐसी हेल्दी रहे और खुश रहे हमेशा। एक सवाल था मेरा, आमिर सर से हो गया, सलमान सर से हो गया, अब नेक्स्ट शाहरुख सर से कुछ ऐसा सपना है आपका? किसका सपना नहीं होता है शाहरुख सर के साथ काम करने का, डेफिनेटली मेरा भी सपना है और अगर आप लोग चाहेंगे ऊपर वाले की ब्लेसिंग रहेगी तो ज़रूर उनके साथ भी कभी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सोलो सोलो बाइट चाहिए, कौन सा कैमरा? सब मैं लुक दे दूंगा, ये वाला अपना है, ये भी दूंगा, स्मार्ट लग रहा हूँ ना, क्या सीन है जल्दी पूछो ना। थैंक यू भाई, ओके ओके रेडी। सबसे पहले आज अश्नूर का बर्थडे, क्या कुछ कहना चाहिए? यार अश्नूर हैप्पी बर्थडे, और वो अच्छा कर रही है, अभी इतनी कम एज में उसने खुद का ब्रांड लॉन्च किया है तो आई थिंक मुझे कुछ अच्छा कहने की ज़रूरत नहीं, वो उसको ऑलरेडी पता है, वो स्मार्ट है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है वो। बड़े अच्छे लगते हो में, आप भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बट काफ़ी कुछ कहने ऑफर जा रहा है भाई, लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, जा रहा है नहीं जा रहा है उस बारे में मुझे पता नहीं है, बट आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस शो का हिस्सा हूँ। थैंक यू, पहली बार मैंने ऐसा मैच्योर कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट किया है सो मुझे भी पसंद आया, थैंक यू सो मच।
Of course, she's our bestest friend. We wish all the very best and all the luck to her. And all happy the good birthday, Ashnu. We love happy, you so happy much. Birthday. Bestie. सब कुछ ही अमेजिंग है. शी इज़ रियली हम्बल एंड वेरी स्वीट ऑफ हार्ट एंड वी रियली लव. शी इज़ अ डार्लिंग. शी इज़ अ डार्लिंग टू बी ऑनेस्ट. बहुत कुछ आने वाला. वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर फर्दर प्रोजेक्ट्स. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इसी साल में बहुत कुछ आने. वहाँ पे दोबारा आने में ब्लास्ट हो जाता है एंड हो सकता है जैसे आप लोग. यू नेवर नो. यू नेवर नो. राइट. यस यस यस. सो इट कैन हैपन. इट माइट हैपन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय हाय. बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया. हर बार के तरह सेम विशेज है मेरी. सबसे पहले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अश्नू. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यार. और इतने सालों की फ्रेंडशिप है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे दोस्तों के साथ कनेक्टेड हूँ. तो या वो ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रही है, उसे ज़्यादा गुड विशेज देने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक. किस तरह के प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं? तो मेरा अभी 12 तारीख को एक फिल्म रिलीज़ हो रहा है IP71, जिसमें मैं एक कश्मीरी कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि एक 17 साल के लड़के का रोल है. और उसके प्रमोशन भी स्टार्ट ही है, इसलिए मैं खुल के इस बारे में बात कर पा रहा हूँ. तो आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज़ गो एंड वॉच IP71. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. विद्युत भाई के साथ काम करके सचमुच अमेजिंग लगा. उनके पास सुपर पावर है ऐसा लगता है और बहुत कुछ सीखने मिलता है. इतने समय से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. एक्शन हीरो की उनकी ऐसी इमेज है जो कोई ब्रेक नहीं कर पाता है. मैं उनके सामने डेफिनेटली लड़ नहीं पाता, बट अपने काम से कोशिश करता हूँ कि उनके साथ उनकी एनर्जी को मैच कर पाऊँ. एंड आई होप कि लोगों को अब तक जैसे मेरा काम पसंद आया है, वैसे ये काम भी पसंद आया. विशाल, मुझे पर्सनली याद है आमिर सर ने भी काफ़ी तारीफ की थी आपकी जी. अब विद्युत सर के साथ हैं, पहले रानी मुखर्जी के साथ. आपका करियर का काफ़ी अमेजिंग है. टच वुड ऐसा ही रहे, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो. आपके जो फैन सर्कल है, सलमान सर के साथ सिद्धार्थ हो गया, आप किस तरह देख रहे हो करियर ग्राम को? आमिर सर इतने बड़े लेजेंड जी थे आपके साथ, एक अपनी अलग ही बात हो जाती है. डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी कि इतने बड़े लेजेंड्स, ऐसे बड़े नाम जो कि इतने सीनियर है और इतने समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको मेरा काम पसंद आएगा. मैं सिर्फ अपना बेस्ट देता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने काम के साथ जस्टिस करूँ, अपने काम के साथ कभी चीट ना करूँ. और आई थिंक उसी के वजह से मुझे उसके बेनिफिट्स में ये सारी चीज़ें मिलती है. जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी सारी चीज़ें जानते हैं. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लक्की ऑल्सो. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड ईच एंड एवरी वन जो मुझे सपोर्ट करते. तो थैंक यू ऑल माय सपोर्टर्स, ऑल माय वेल विशर्स. आई रियली लव यू एंड थैंक यू ऑल माय हेटर्स ऑल्सो. प्राउड ऑफ यू. थैंक यू कसिम कुरैशी. यस. थैंक यू. हाय जैक. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.